स्टूडेंट कैसे हैं और आज हम सीखेंगे रिजल्ट का परसेंटेज कैसे निकालें। जैसे अगर आपका पूरा 500 दिया है और उसमें से आपने पाया है 340 नंबर, या कोई भी नंबर हो 340 मान लेते, जो आपने प्राप्त किया प्राप्तांक जो है 340, तो आपने कितना प्रतिशत पाया। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपका प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं, रहने देते हैं आपको। फॉर्मूला जो होता है या देखो टोटल नंबर बटे प्राप्तांक, यानी कितना आपने प्राप्त किया भी लिख सकते हो। तो आपने कितना नंबर है आपका 500, और 500 में से आपने कितना पाया है 340, और क्या करना परसेंटेज लगाने के लिए यहाँ पर प्रतिशत लिख सकते हो, प्रतिशत या पूरा चिन्ह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत तो कितना, तो यहाँ 100 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखो बच रहा है 340 बटे आपका होगा 5, भाग दे दो कितने मेरे में 5 6 के 30 और बचा कितना आपका 4 हो जाएगा 40, अपन 40 यानी कितना होगा 68%। अगर आपका पूर्णांक 500 नहीं बल्कि 600 है, यानी कितना है 600, तब कितना होगा। तो बेसिकली आपको यही रहने देना है, और 2 जीरो कटेगा, यहाँ पर कितना रहेगा 6, यहाँ पर क्या कर लेना 6, यहाँ पर हो जाएगा 6, तो आप कितना बचेगा, तो 2 से काट लो कितने में कटेगा आपका, नीचे बचेगा द्वितीय 6, 2 एकम में 2 और 2 7 14, और यहाँ बचेगा 0, तो भाग दे दो कितने में मिल जाएगा 3 5 15, आपका बचेगा कितना 3 5 15 2 और 3 6 18, 10.66 पॉइंट होगा, भाग भी दे सकते हो। या बेसिकली अगर आप मोबाइल से भाग देना चाहते हैं तो आप क्या करना, अगर जितना आपका पूर्णांक हमने मान लेते हैं 370 नंबर हमने पाया, 370 नंबर पाए, तो अगर आपका पूर्णांक 500 है तो बेसिकली मोबाइल से क्या करो, सीधे क्या करते हैं बच्चे, और 500 पूर्णांक तो 5 से भाग दे देते हैं। अगर आपने 370 ही नंबर पाया लेकिन आपका पूर्णांक कितना है 600, तो 6 से भाग दे दो, जिससे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर मोबाइल से हमें निकालना है तो। तो इसका रूल होता है जो वो भी हम बताते हैं, तो इससे आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, बच्चे जो होते हैं भूल जाते हैं कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, ये होता है कि किसे नीचे रखा जाता है। तो हमारा जो रूल होता है ये होता है कि जिससे तुलना करना हो उसे नीचे लिखते हैं, और जिसके बारे में कह रहा है कि उसे हम क्या लिखते हैं ऊपर, या वो नहीं तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा नीचे रखना है। जैसे कि हमें, तो हम जैसे कि स्कूलों में जब पढ़ाया जाता है तो बच्चों को नंबर दिया जाता है, कैसे कहा जाता है कि बाबू आपने 30 में कितना नंबर पाया, 14 नंबर या 15 नंबर, तो यानी जितना होता है पूरा कुछ नीचे रखा जाता है, और जितना पाया उसे कहाँ रखा जाता है ऊपर। और जानते ही हो अगर आपने 600 में कितना नंबर पाया है, आपने 600 में कितना नंबर पाया बाबू 340, तो यानी ये जान लो जितना आपका पूर्णांक रहता है वो नीचे रखा जाता है, और 340 आपने उतना पाया, यानी 600 में से आपने इतना पाया, तो आपको परसेंटेज याद करना, तो क्या करना बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई, ओके, जिससे आप निकाल सकते हो। तो अभी तक निकाले कितना आया, 6% कितना आया 68% आया था ना, तो उसी तरह निकाल लेना। तो ये बेसिकली बहुत बच्चे हो जाते हैं कि किसे ऊपर रखा जाएगा, 340 को कि 600 को। तो बेसिकली आप ये याद रखना कि जब हमें स्कूलों में हमें रिजल्ट में जैसे नंबर मिलता है कि आपने कितना पाया, 500 में से कुछ नंबर नहीं 35 नंबर मान लेते हैं पाया, तो ये जान लो जितना, देखो टोटल नंबर कहाँ रखते हैं नीचे, और जितना पाया उसे कहाँ रखते हैं ऊपर, और उसके बाद परसेंटेज लाना, परसेंटेज लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो इसमें भी गुणा करके भी पता कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।